सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को। कहीं उनकी डिमांड है, उनकी नौकरी की है, जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए। भारत सरकार से भी बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश सरकार है उससे भी बात करो तो वहां पर भी बात करेंगे। भूमि अधिग्रहण जो गौतमबुद्ध नगर की सारी भूमि अधिग्रहण हुई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, तीन वहां पर प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को, सरकार नहीं कर रही। जो 10% जमीन देने की बात करी थी, जिन किसान की जमीन चली गई उसको 10% जमीन देने की बात की थी, कुछ अथॉरिटी तो दे रही है कुछ नहीं दे रही, वो उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने थे किसानों के, वो प्लॉट भी उनको नहीं दे रहे, तो ये कहीं उनकी डिमांड है, उनकी नौकरी की है, जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए इंडस्ट्रीज में, लेकिन वहां लोकल के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये उनकी समस्या है। और घटा नहीं कहा गौतमबुद्ध नगर किसानों की जमीन छीन ली गई है। हाँ तो ठीक कह रहे हो, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन अधिग्रहण में है, स्टे कर लिया नोएडा में किसानों ने, नोएडा में स्टे करेगा, नोएडा क्या करेगा किसान, या तो दिल्ली की तरफ कुछ आगा स्टे करेगा वहीं रहेगा। दूसरा उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है धनगढ़ जी, उनने उनका कहना यह है कि किसान बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल कर सकते हैं। धनगढ़ के हाथ में क्या है, धनगढ़ तो भाई धनगढ़ साहब तो बना दिए तो बिरादरी के नाम पे बन रहे, अब उनके हाथ में हो तो भाई हमारी सरकार से बातचीत करवा दो, धनगढ़ साहब हेलो सकता है बातचीत करवाओ तो सरकार तो बात करती नहीं भाई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात करी थी, आज 4 साल हो जाएंगे, 22, 23, 24 तीन साल हो लिए, तो हमारे से तो बात करी नहीं। अगर होती है बातचीत तो समाधान, तो बातचीत करवाओ, भारत सरकार से भी बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश सरकार है उससे भी बात करवाओ तो वहां पर भी बात करेंगे, समाधान हो जाएगा। समाधान का तो सरकार निकाल लेगी हल।